भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश थापा है और मेरे साथ है वैभव गुरुंग। हमारे पास अभी है दो रामपुर हाउंड, ये हमारे पास मेल है और ये फीमेल है। आपके कैनल का नाम क्या है? कैनल आप मीन्स आप ब्रीड करते हो, ब्रीडिंग करते हैं आप? नहीं, हम प्रोफेशनल ब्रीडर्स नहीं है, हम सिर्फ घर में शौक के लिए पाले हुए हैं। ओके, शौक के लिए पाले हैं। तो आप अभी सेल करते हैं इनके? नो, वी डोंट सेल, हम बेचते भी नहीं है। तो हम पे चार हाउंड्स हैं फिलहाल पे, दो फीमेल, तीन फीमेल्स हैं और एक मेल। तो ये आपने हंटिंग के लिए रखे हैं कैसे? या समटाइम्स कभी कभी मतलब हंटिंग हो जाती है, फार्म हाउस है तो उसमें जाते हैं, इनको एक्सरसाइज वगैरह करा रहे हैं। तो शायद ये शायद जीते भी हैं। हाँ, ये अभी जीते हैं, अभी भी इनका राउंड हो गया है तो ये जीते हैं फर्स्ट प्राइज। अभी इनके मतलब रामपुर राउंड देहरादून में वेरी रेयर, मतलब आपको नहीं मिलेंगे ये रामपुर राउंड। जी, अभी हमारे पास चार है फिलहाल के लिए, अगर इन केस इन फ्यूचर हम ब्रीडिंग करेंगे तो शायद सेल आउट करें। ओके, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे? 7453927883 आकाश थापा। आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस वी हैव, अगर हमारे पास राउंड पावर हाउंड होते हैं, पग्स भी होते हैं और शिट्ज़ू भी है। शिट्ज़ू रेट अभी हमने नेगोशिएबल रखे हैं, मतलब अभी हम पे फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग, अभी जो हमने लास्ट बेचा है वो 16 की रेंज पे वो बेच दिया था, बट हाँ, पर अब हमने फिर रोक दिया, पर लोग कह रहे हैं कि आपको वो 10,000। इसका पपी कितने का मिल जाता है? अभी पपी हमने अभी इनका ब्रीडिंग कराई नहीं है। ओके, जस्ट गेस इवन, हम गेस। आपने कितने का लिया? 25 की कराऊं, 25,000। तो ये आपके इंपोर्ट डॉग्स हैं कैसे? नहीं, ये इंडियन ब्रीड्स हैं। अच्छा, ये ब्रीड इंडियन है? जी, ये इंडियन हाउंड है, ग्रे हाउंड होता है ये, उनका इंडियन ब्रीड जो है, ये जो ग्रे हाउंड होता है वो अब्रॉड के हैं। थोड़ी तबीयत इसकी ठीक नहीं है क्या आजकल? थोड़ा डाउन सा लग रहा है। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा मुझे लग रहा फीवर भी हो रहा था क्या बीच में? नहीं, नॉर्मल, ये इनकी स्किनी ज्यादा है, यहाँ पे खाना कम खाते हैं। ये इतने पतले क्यों है? पतले ही रहते हैं, शिकारी हंटिंग इनकी स्पीड कुछ ज्यादा ही वाले है ना, वही है ना। हाँ, वही वाले खरगो, एक ग्रे हाउंड होते हैं वो इंग्लैंड होगा, क्या मुश्किल, क्या नाम है इनका? रामपुर हाउंड। ये रामपुर हाउंड है, ग्रे हाउंड होते हैं, ग्रे हाउंड इनसे भी बड़े होते हैं, इनसे भी और ऊंचे होते हैं वो। तो ये इंडियन ब्रीड में है, वो अब्रॉड की ब्रीड होती है ग्रे हाउंड। ये राजस्थान रनिंग इनकी है ना, बेल्जियम को भी टक्कर देंगे। बेल्जियम हाउंड नहीं, बेल्जियम होता है, बेल्जियम शेपर्ड। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो ये सबसे तेज है, नॉट श्योर, जंप तो बहुत भयंकर है। पैर देखो ना, हाई रनिंग डॉग पूरे इनके लंग्स का, ये देखिए, ये हिस्सा बहुत लंबा होता है ना, लंग्स बहुत बड़े होते हैं इनके रनिंग के लिए, दौड़ के लिए ना। हाँ, ये हिस्सा बहुत वेरी ब्रॉड। प्राइस क्या बता रहे हैं? हम ब्रीडिंग वैसे तो नहीं कर रहे हैं, सेल आउट सीजू के कह रहे हैं, सीजू के 16,000। लास्ट टाइम सोल्ड आउट कर दिया था वो, जो उसके अभी है क्या? अभी हम पे है दो। यार, भैया का नंबर ले, देहरादून से ही हो ना आप? जी, राइट, तो हमें जरा उनकी हमें चाहिए भी डॉग। आप अपना नंबर दे दीजिए। 7 डाउन मैम, प्लीज, हमें दो चाहिए। आप कब से बैठ कर रहे हैं इसको? ये हमारा पहली बार है जब हम डॉग शो में आ रहे हैं, पर ये पहले भी विनर रह चुके हैं, ये दिस इज द सेकंड, ये दूसरी बार है जो ये जीत के जा रहे हैं यहां से। तो इससे पहले भी एक डॉग शो में हमारे जीता है। तो इनकी थोड़ी एक्सरसाइज कम होती है, इस वजह से खाना कम खाते हैं, मतलब अगर ये ज़्यादा देर भागे नहीं ना तो ये इनको फिर। इनका मंथली एक्सपेंसिव कितना आता है? वो हम बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे डॉग्स हैं ना, लाइक वो सब वो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे इन केजेस अलग है, बट उनका मतलब जो बजट बनता है उनका वो सब। कोई गैस वैसी आइडिया नहीं कह सकते। दो पग्स हैं, सिज्जू चार हैं, ये चार हैं। ओके, टोटल एक्सपेंसिव कितना आपका? दो घोड़े भी हैं, वो सब साथ में पड़ते हैं। तो टोटल कितने का है? टोटल मुर्गे भी हैं। ओह, इट्स लाइक अ फार्म हाउस। हां, फार्म हाउस नहीं है, वो घर पे ही है, फार्म हाउस अलग जगह पे है, वो वहीं पे सारे डॉग्स भी पलते हैं यहां पे हमारे। किस दिन अगर आपका कोई पर्सनल इंटरव्यू लिया जाए तो वुड यू वी गो फॉर इट? हां, कहां पे? इधर पे नहीं, होम एट योर फार्म हाउस। मे बी वी कैन, हम एक्सचेंज करते हैं आपसे कॉन्टैक्ट और आपको बिल्कुल इनवाइट करेंगे, तब उसके हिसाब से आप इन्विटेशन के साथ आएंगे तो okay, okay. और अच्छा, हम रेडी रहेंगे डेफिनेटली मैम। वैसे ये इतने स्किनी क्यों है, ये चीज़ समझ में नहीं आई। बिकॉज ये भागते हैं तो तेज है ना, चीता आपने देखा होगा, लायन होता है वो बहुत हैवी होता है ना, लायन लेपर्ड होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, और चीता होता है बड़ा स्किनी, क्योंकि वो एरोडायनेमिक भी होता है ना, तो भागने के लिए जब आप लीप लेते हैं तो इनका ज़्यादा एरोडायनेमिक रहता है, तो ज़्यादा तेज भागते हैं। अपना वेट भी एक फैक्टर हो जाता है कि वेट कम होगा तो स्पीड आपकी ज़्यादा, एनर्जी कम लगेगी। जैसे आप इस समय डॉग शो में है, तो डॉग शो में बच्चा तैयार करने के लिए क्या क्या, मतलब कैसे, क्या किस उस पे जीता है? ये तो हाउंड में एक कैटेगरी थी, तो हाउंड में यहाँ पे कोई नहीं आते, तो इनपे इंडियन ब्रीड हाउंड में है तो इनको कम्पीट करने वाला कोई है नहीं अभी यहाँ पे, कोई भी नहीं है। वो जो कौन सा थे डॉग शो में, इन्होंने करा क्या है? जो इनका वो कराते हैं नॉर्मल राउंड वॉक कराते हैं, वॉक वगैरह कराते हैं, इनके वो गैलप ना करें, उछले ना, इनके गम्स वगैरह चेक कराते हैं और ईयर्स कान वगैरह, बाकी वो
जजेस वगैरह अपने हिसाब से उनके चेस्ट वगैरह चेक करते हैं, मसल्स में चेक करते हैं। आपको ये ब्रीड कैसी लगती है? वन ऑफ द फेवरेट है हमारी, तो बेस्ट वन ऑफ द फेवरेट। यही ब्रीड क्यों? हंटिंग में ज़्यादा स्पेशली यूज़ होती है ना, तो हम जाते हैं तो इसलिए यहाँ पे जंगल वंगल है ना इधर, तो फार्म हाउस उधर साइड है, तो हंटिंग वंटिंग होता है तो मतलब थोड़ा बहुत हंटिंग में। तो आपने हंटिंग के लिए पाली है या ये आपको अच्छी लगती है? हंटिंग तो आप नहीं कर सकते ना, तो इट्स लाइक हंटिंग से रिलेटेड हम हैं, तो मतलब इट्स लाइक हम अच्छा लगता है हंटिंग, इट्स लाइक कुत्ते भी वही। एंड हाउ अबाउट डॉग अर्जेंटिनो? डॉग अर्जेंटिनो, डॉग अर्जेंटिनो तो बहुत हैवी वैसा हो गया ना, बहुत एग्रेसिव भी है। देखो जैसे हमारे साथ खड़ा है तो हम इतने प्यार से इसके पास भी हैं, तो डॉग अर्जेंटिनो ह्यूज भी होता है, बड़ा भी होता है काफी। इसमें एग्रेसिव? एग्रेसिव नहीं है, अननोन पर्सन के लिए कोई नया बंदा आता है तो एग्रेसिव। इफ आई टच, इफ आई जस्ट? नो नो नो, टोटली फाइन। हां टोटली फाइन मैन, कुछ भी नहीं करेगा। ओके ओके ओके, फ्रेंडली तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है। ओके ओके, बट जब ये केज में होते हैं तब बहुत एग्रेसिव होते हैं, और इनका बाक आपको लग रहे हैं कि ये मतलब बहुत पतले पतले से इसकी वैसे हैं, पर ये भौंकते हैं ना तो आपको तब लगेगा कि समथिंग इज देयर। तो अभी तो ये बिल्कुल शांत है। तो बच्चों के साथ कैसे रहते हैं? फ्रेंडली, बस ये केज में जब अपने होते हैं ना, जब मतलब इनको रखते हैं तभी अगर किसी अननोन पर्सन को देखें तो मतलब बहुत जोर से भौंकते हैं, मतलब अच्छा है इनका भौंकने का बाकिंग। तो आप कहोगे, आप रेफर करोगे किसी और को पालना, जैसे फैमिली में पालना चाहे कोई, जैसे हंटिंग ब्रीड है, जैसे बच्चों के साथ रेफर करूंगा, बट डॉग्स के लिए नहीं है क्योंकि इनकी मसल्स बनी ही उसके लिए होती है ना, क्या कहते हैं, रनिंग के लिए है ये ज्यादा। अगर इन्हें रखोगे तो एग्रेसिव हो जाएंगे एक जगह? नहीं होंगे, इनका खुद का ही अपना डिसएडवांटेजेस है बॉडी में। अब जैसे ये थोड़ा स्किनी हो रहा है, खा नहीं पाता, खाता कम है क्योंकि भागता एक्सरसाइज कम है, तो जितना ये खुले बड़े उसमें फार्म में पलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है इनके लिए ना, मसल्स डेवलप अच्छे से होती है जितना भागेंगे ना, जिम जाते हैं तो डेवलप अच्छी होती है। तो जिम नहीं नहीं, इंसान के लिए कह रहा हूँ, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, मतलब जो भी जीता है लिविंग बीइंग्स के लिए, तो वो चीज़। ओके मैन, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।